नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहास के बारे में। शाहजहां का इतिहास, उसकी जीवनी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन और उसका आर्किटेक्चर में क्या योगदान था, वो सारा हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, मुगल सल्तनत में पांचवा ये बादशाह है। इसके बाद हमें पढ़ना है औरंगजेब। टोटल छह जो बादशाह थे उनको बोला जाता है ग्रेट मुगल्स, और बाद के जो मुगल्स हैं उनको लेटर मुगल्स बोला जाता है। तो अभी तक हम बाबर, हुमायूं, जहांगीर और अकबर को पढ़ चुके हैं। जहांगीर बाद में आता है अकबर के, ऑब्वियसली। तो ये है शाहजहां, जो कि जहांगीर का पुत्र है, और इसने कैसे सल्तनत को हासिल किया और इसकी जो कहानी है वो शुरू करते हैं। तो ये हमारा मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट 20 है। तो अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उन पार्ट्स को देख सकते हैं आप पहले, और उसके बाद इस पार्ट को देखें। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और वेरियस स्टेट पीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सक्सेस प्लस एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी ऐसा कंटेंट आए तो आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एज ए आइडेंटिटी, शाहजहां कौन था, इसके बारे में कुछ सवाल सीधे सीधे इसी स्लाइड में आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसका बर्थ नेम क्या था। देखो, हम हर एक मुगल बादशाह का जो बर्थ नेम है उसको स्पेशली आपको याद रखना है। बाबर से लेके जहीरुद्दीन बाबर, उसी तरीके से जो अकबर है उसका जलालुद्दीन अकबर, ये जो नाम है इनको आपको ध्यान रखना है। देखो, इसके नाम में आपको शाहजहां तो कहीं दिखेगा नहीं। बचपन में शाहजहां तो एक उपाधि थी जो कि बाद में इसको मिली थी। वो कब मिली वो आपको मैं बताऊंगा। और इसका बचपन का नाम था, स्मॉल में आपको याद रखना है खुर्रम, और पूरा नाम याद रखना है शहाबद उल दीन मोहम्मद खुर्रम, ठीक है। इसका जन्म होता है 5 जनवरी 1592 को लाहौर में। लाहौर पाकिस्तान जो आज का है वहां पे इसका जन्म होता है, वही जगह जहां पे जहांगीर का मकबरा भी है। मैंने आपको बताया था दो ही मुगल बादशाह ऐसे हैं जिनका मकबरा भारत से बाहर है। एक जहांगीर है और एक है बाबर, जिसका मकबरा जो है वो है काबुल में। और बाकी जितने भी मुगल बादशाह हैं उनके मकबरे भारत के अंदर स्थित हैं, ठीक है। तो वो हम अलग से वीडियो में भी कवर करेंगे, इनके जो म्यूजियम है, जो इनके मकबरे हैं उनके बारे में। लेकिन यहाँ पे इस चीज को देखिए, इनके पेरेंट्स कौन है, जहांगीर जिनका नाम सलीम था बचपन का, और इनकी माता है जगत गोसाई। जगत गोसाई कौन है, जगत गोसाई का नाम था जोधाबाई। ये वो जोधाबाई नहीं है जो अकबर की वाइफ थी, ये वो जोधाबाई है जो मारवाड़ के राजा राणा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह के पुत्री हैं। ये वो जोधाबाई है। देखो, जोधाबाई मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, दो जोधाबाई थी, एक तो थी जहांगीर की वाइफ और एक थी अकबर की वाइफ। दोनों अलग अलग राजाओं की पुत्री हैं। आमेर के राजा भारमेल की पुत्री थी, वो थी जहांगीर की माँ यानी कि अकबर की वाइफ। और ये जो जगत गोसाई है ये मारवाड़ के राजा मोटा उदय सिंह की बेटी है। जगत गोसाई नाम इनका है और इनको जोधाबाई भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी रिजीन जो है वो चलती है जनवरी 1628 से लेके 31 जुलाई 1658 तक। हालांकि इसकी यहाँ पे डेथ नहीं होती है। क्या होता है, देखो एक वीडियो में कंप्लीटली लेके आने वाला हूँ कि इसका जो सक्सेशन था, शाहजहां की डेथ नहीं हुई और इसके बीच में एक लड़ाइयां लड़ी गई, चार बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई इसके पुत्रों के द्वारा कि कौन आगे वाला राजा बनेगा, ठीक है। उसको कहा जाता है वॉर ऑफ सक्सेशन। वॉर ऑफ सक्सेशन जब बात आती है तो दो मेजर वॉर ऑफ सक्सेशन हुए हैं। एक वो जब हमने पढ़ा था अशोक के समय पे, अशोक ने भी अपने भाइयों की हत्या करके उनको रास्ते से हटा के वो राजा बना था। उसी तरीके से औरंगजेब भी वही काम करेगा, अपने भाइयों की हत्या करके उनको किस तरीके से हरा के वो राजा बनता है, वो सारी चीजें देखेंगे। और ये 1658 में अपने पिता को बंदी बना देता है औरंगजेब, और उसको जेल में रहना पड़ता है आने वाले 8 साल तक। और उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है जनवरी 22, 1666 को, ठीक है। तो ये अपने जीवन में जेल में रह बिताने वाला राजा पहला था जो कि मुगलों में हुआ, और इसको क्या कर दिया गया था, इसी के बेटे के द्वारा बंधक बना लिया गया था। हालांकि इतिहास में बहुत सारे ऐसे गेम हुए हैं जिनमें क्या बोलते हैं, थ्रोन के लिए अपने पिता की हत्या भी की गई है, उनको बंदी भी बनाया गया है, ठीक है। जहांगीर ने भी अपने पिता के खिलाफ रिवोल्ट किया था, आपको याद होगा सलीम का जो रिवोल्ट था अकबर के खिलाफ, वो भी था कि वो भी राजा बनने की जल्दी में था। उसी तरीके से ये जो है औरंगजेब है वो भी ये चाहेगा कि जल्दी से जल्दी राजा बनाया जाए, और शाहजहां को ये इसीलिए जेल में डाल देता है। उसके बाद इसकी डेथ होती है आगरा में, और वहीं पे इसको दफनाया जाता है जहां पे मुमताज महल को दफनाया गया। वो जगह कौन सी है, ताजमहल। ताजमहल मकबरा किसका है, मुमताज महल का और शाहजहां का, ठीक है। ये याद रखना है आपको, सिर्फ वो मुमताज महल का मकबरा नहीं है, वो शाहजहां का मकबरा भी है, ठीक है। इसकी जो स्पाउस थी, जो इसकी वाइफ थी, वो पांचवे मेजर वाइफ थी, आपको पता होगा कांधारी महल, अकबरी महल, मुमताज महल जो इसकी तीसरी वाइफ थी और इसकी चीफ कंसर्ट थी, यही इसकी महारानी थी, जो जिसके इंपॉर्टेंट डिसीजंस में इसका पार्टिसिपेशन होता था।
फतेहपुरी महल और मोती महल, ये पांच इसकी वाइफ थी। इनमें से तीन जो थी वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थी, वो पॉलिटिकल मैरिज थी, ठीक है, और बाकी ये जो मुमताज महल है ये एक किस्म की लव मैरिज थी। ठीक, इनके जो पुत्र हैं और इनकी जो पुत्रियां हैं वो ये हैं, ये इनके चिल्ड्रन हैं, औरंगजेब, दारा सिको, जहां आरा बेगम, शाह शुजा और मुराद बख्श, रोशन आरा बेगम और गोहारा बेगम। ये सात जो बच्चे हैं इसके, चार पुत्र और तीन बेटियां, ये हैं मुमताज महल की संतान। एक्चुअल में मुमताज महल ने 14 बच्चों को जन्म दिया था, और 14वें बच्चे को जन्म देते टाइम जो कि एक बेटी थी उस समय प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। इन 14 में से 7 बच्चे इनके जिंदा रहते हैं, और यही आगे चल के इनके बीच में ही लड़ाइयां होती हैं, जो कि मैं बताता हूं आपको। वॉर ऑफ सक्सेशन की जो लड़ाइयां हैं वो भी इन्हीं के बीच होगी, औरंगजेब, दारा शिको, शाह शुजा और मुराद, इनके बीच में ही ये सक्सेशन की लड़ाई होगी। तो इस तरीके से इनके बेटे और बेटियां थी काफी सारे हैं, और इनके बारे में बाकी जो है ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब बात आती है कि जो चाइल्डहुड है खुर्रम का या शाहजहां का, वो किस तरीके का था। देखो, जहांगीर के 4 बेटे थे, उनमें से एक था शाहजहां, एक था खुसरो, एक था परवेज और एक था शहरयार। ये 4 बेटे थे इसके, ठीक है। अब खुसरो तो वो था जो मैंने आपको बताया था कि खुसरो तो सीधा अकबर से ही राजा बनना चाहता था कि जहांगीर का नंबर ही ना आए, सीधा मैं ही बन जाऊं। और खुसरो ने रिवोल्ट कर दिया था अपने पिता के खिलाफ, यानी कि जहांगीर के खिलाफ। वो मैं बताया था आपको कि खुसरो का रिवोल्ट हुआ, उसके बाद जहांगीर ने उस रिवोल्ट को दबा दिया और उसको अपने ही पुत्र खुसरो को अंधा कर दिया। उस खुसरो की बाद में चल के शाहजहां हत्या भी करवा देता है 1623 में ही, अपने पिता के जीते जी ही, ठीक है। खुसरो तो इसी तरीके से पहले ही डेथ हो जाती है उसके बाद। उसके बाद शाहजहां जो है ये ऐसा बंदा है कि इसी को राजा बनना था एक्चुअली। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा फेमस था, अपने पिता और अपने दादा का प्रिय था, और इसके जो जन्म होता है उसके बाद ही 7 दिन बाद ही लगभग इसके जो दादा हैं अकबर, वो इसकी परवरिश करते हैं कि इसकी जो परवरिश है उसका काम मेरे को मिलेगा, जहांगीर नहीं करेगा, मैं करूँगा, ठीक है। तो इसके बाद इसकी माता जो हैं जगत गोसाई और जिया जोधाबाई हैं, इनकी कोख से इसका जन्म होता है, जो कि मेवाड़ के राजा मोटा उदय सिंह की पुत्री थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद इसका नाम खुर्रम दिया गया, ठीक है। खुर्रम का मतलब जो जोयस वन, जो खुशनुमा है, उसको खुर्रम कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इनकी जो बेगम थी रकिया सुल्तान बेगम अकबर की, उनको इनकी परवरिश का एक तरीके से जिम्मा दिया गया, और उसके बाद इनकी परवरिश हुई अच्छे से, इनको अच्छी खासी एजुकेशन मिली। क्या क्या एजुकेशन मिली वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने पर्शियन भाषा, टर्की भाषा और हिंदी लिटरेचर को पढ़ा। उसके अलावा आपको पता है कोई भी बादशाह के जो बच्चे होते हैं उनको अच्छी खासी जो सैन्य सुविधाएं हैं वो मिलती हैं, उनको अच्छी खासी एजुकेशन मिलती है, सैनिकों के लिए फिजिकल एजुकेशन मिलती है, स्वॉर्डमैनशिप की एजुकेशन मिलती है, शूटर्स की एजुकेशन मिलती है। ये सारी चीजें तो बेसिक हैं, आप सबको पता है, ठीक है। लेकिन फिर मैं आपको बताता हूँ कि अकबर ने एक प्रथा चालू की थी, मनसबदारी प्रथा, मैंने आपको उसको बताया भी है। और हम जब पूरी मुगल सल्तनत हो जाएगी औरंगजेब के बाद, हम वापस पढ़ेंगे इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो पूरा पढ़ेंगे, तब मैं आपको वापस से बताऊंगा कि मनसबदारी सिस्टम क्या है। आप ये मान के चलिए कि मनसब एक अधिकारी की पोस्ट होती है, ठीक है, और वो ऊंची ऊंचे अधिकारी हैं उनको मिलती है। तो इसकी रैंक होती थी जट के अंदर 20 से लेके 10,000 तक, उसी तरीके से स्वर के अंदर 5,000 तक होती थी मैक्सिमम। तो ये जब बच्चा था, सिर्फ देखो 1607 में है, और यहाँ पे देखो इसका जन्म कितना में हो रहा है, यहाँ पे 1592 में, यानी कि सिर्फ 15 साल का था तब इसको इतनी बड़ी रैंक दे दी गई थी, 8,000 जट की और 5,000 सवर की मिली थी, क्योंकि अपने जो दादा हैं उनका प्रिय था, अपने पिता का प्रिय था, इसीलिए इसको इतनी बड़ी रैंक दी गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इतना एबल था, आपको याद होगा कि बीरबल की रैंक भी 2,000 मनसब थी, लेकिन ये एक प्रिंस था तो इसकी रैंक ऑब्वियसली ऊंची होगी, ठीक है। तो उसके बाद 1608 में इसको गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाता है हिसार और फिरोजा का, ठीक है। यहाँ के बाद ये एक तरीके से इसका ऐसा लग जाता है लोगों को भी कि जो कि आने वाला जो हेयर है, जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा, शाहजहां ही बनेगा, यानी कि खुर्रम ही बनेगा। अभी तक इसका नाम खुर्रम था, अभी इसका नाम शाहजहां नहीं पड़ता है। उसके बाद 1611 आते आते इसकी जो रैंक है और बढ़ जाती है, 10,000 जट हो जाती है, और सवर में तो 5,000 ही रहेगी क्योंकि ये मैक्सिमम रैंक है। उसके बाद मेवाड़ की जो ट्रीटी है इसको पहली बार सक्सेसफुली बनाने में शाहजहां का भी बहुत बड़ा हाथ था। देखो, मैंने आपको बताया था कि अकबर जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होती है हल्दीघाटी की युद्ध, ठीक है। वो आप मुझे बताएंगे कब होती है, ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। 1576 में वो बैटल होती है, हल्दीघाटी का बैटल होता है, और उसके बाद जब तक कि महाराणा प्रताप की डेथ नहीं हो जाती है उनके बीच कोई ट्रीटी साइन नहीं होती है। वो अकबर के सामने कभी झुकते नहीं है महाराणा प्रताप, और वो कभी एक तरीके से वैसाल स्टेट बना ही नहीं पाते हैं।
मुगल्स कभी मेवाड़ को जीत नहीं पाते हैं महाराणा प्रताप के जीते जी, लेकिन उनके बाद उनके पुत्र अमर सिंह आते हैं और अमर सिंह के साथ संधि की जाती है जहांगीर के पीरियड में 1615 में, जो की थी मेवाड़ की संधि। इसको हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इस संधि को कराने की वजह से इनका शाह की उपाधि दी गई, खुर्रम को शाह की उपाधि दी गई। उसके बाद शाहजहां की उपाधि जो दी गई, ये दी गई अहमदनगर के ऊपर विजय अभियान पूरा करने के बाद। साउथ का जो अभियान था कंप्लीटली करने में शाहजहां का बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए इनको शाहजहां की उपाधि दी जहांगीर ने। ठीक है, तो ये चीज होती है 1616 में, ये चीज हो गई 1617 में, सॉरी यहाँ पे डेट नहीं लिखी हुई है, 1617 में शाहजहां की उपाधि इनको मिलती है। उसके बाद इनकी जो शादियां हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मुमताज महल के साथ जो शादी होती है वो। देखो आपको याद होगा कि जो नूर महल थी, जहांगीर की जो एक वाइफ थी, उनके एक भाई हैं आसफ खां। आसफ खां की एक बेटी होती है अंजुमन बांगनो बेगम, इसी का नाम आगे चल के मुमताज महल पड़ता है। तो जब 15 साल के होते हैं खुर्रम, तो उस समय मुमताज महल से या फिर अंजुमन बानो बेगम से इनकी एक तरीके से इंगेजमेंट हो जाती है। लेकिन इनके जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो ज्योतिषी हैं जो मुगलों के, वो कहते हैं कि अभी शादी करना सही नहीं होगा और अगले 4 साल तक आप शादी नहीं कर सकते, वरना आपके लिए कुछ वो हो सकता है, विपदाकारी हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, 1607 में एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ इंगेजमेंट करके छोड़ दी। उसके बीच में आने वाले 4 साल तक इसको, इसके और शादियां भी होती हैं, लेकिन अंजुमन बानो बेगम जो है ये इसकी प्रिय बेगम होती है। मुमताज महल की इसको उपाधि दी जाती है, क्योंकि मुमताज महल का मतलब होता है जो कि एक तरह से बाकियों से अलग है, बाकियों से सुप्रीम है, यही इसका मतलब होता है। ठीक है, तो आसफ खां की पुत्री होती है और आसफ खां को अपने आप में भी इसका बहुत अच्छा माहौल होता है। इसकी जो बहन है नूर महल और आसफ खां, इनका कोर्ट में अच्छी खासी चलती है, तो इसीलिए दोनों के बीच में, भाई बहन के बीच में भी टकराव होता है। टकराव का कारण ये है कि आसफ खां की जो बेटी है उसकी शादी हो गई है शाहजहां से, और जो नूर महल की बेटी है उसकी शादी हो गई है शहरयार से, जो कि दोनों ही बेटे हैं जहांगीर के। जहांगीर के दो बेटों से दोनों भाइयों बहन की जो पुत्री हैं उनकी शादी होगी। तो दोनों चाहते हैं कि, आसफ खां चाहता है कि शाहजहां राजा बने आगे चल के, और जो नूर महल है वो चाहती है कि शहरयार आगे चल के राजा बने। तो ये भी एक अच्छा खासा इनके बीच में रीजन हो जाता है टकराव का। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाती है बात कि 4 साल बाद शादी हो जाती है मुमताज महल की, और मुमताज महल की कोख से 14 बच्चों का जन्म होता है, मैंने आपको बताया। और 14वां जो बच्चा है वो एक बेटी होती है, और उसको जन्म देते समय परसव पीड़ा से इनकी मृत्यु हो जाती है मुमताज महल की, और उसी की याद में बाद में चल के क्या बनता है, ताजमहल बनता है। और इनके जो मेन बेटे हैं और वो हैं दारा शिकोह शुजा, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद, और जिनके बीच में आगे चल के सक्सेशन की लड़ाई होगी। ठीक है, तो 1631 में मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है। कुछ और शादियां हैं उनके बारे में आपको देखें तो एक शादी होती है इनकी, ये देखो, ये आगे आने वाली जो शादियां हैं कांदारी बेगम से, जो कि पर्शिया की एक राजकुमारी थी, इनके साथ शादी होती है। ये भी आगे चल के एक कारण बनेगा कि पर्शिया के साथ युद्ध हो जाएगा इनका, क्योंकि कांधारी बेगम को चीफ कंसर्ट नहीं बनाया गया और उनके जो पुत्र हैं उनको राजा नहीं बनने की कोई भी चांस नहीं दिख रहा था पर्शिया के राजा को। इसी की वजह से पर्शिया का जो राजा है वो कांधार पे अटैक कर देगा और कांधार को जीत लेगा, एक ये चीज हो जाएगी यहाँ पे चल के। उसके अलावा और भी इनकी बेगम थी, उनमें थी एक अकबरदामी महल, फतेहपुरी महल और मोती बेगम। तो ये तीनों जो बेगम थी ये पॉलिटिकल मैरिज की वजह से इनसे शादी हुई थी, इनसे कोई लगाव नहीं था। ठीक है, तो पहले होती थी जो शादियां वो पॉलिटिकल मैरिज हुआ करती थी। अब एक चीज और आपको पता है कि अकबर है, जहांगीर है, इनके समय जो राजकुमार, राजपूतों के साथ जो पॉलिसी हुआ करती थी मुगलों की, वो होती थी कि उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाए जाते थे। लेकिन शाहजहां ने पहली बार इस सिस्टम को ब्रेक किया, और ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसने जो राजपूत कन्याओं के साथ शादियों की जो प्रथा है उसको तोड़ा, तो वो था शाहजहां। ठीक है, तो इसने किसी भी ऐसी औरत से शादी नहीं की और किसी को फोर्स नहीं किया, किसी भी राजपूत राजा को फोर्स नहीं किया शादी के लिए। ठीक है, आगे चल के शाहजहां या और इनके जो बच्चे हैं उनसे भी इनकी शादियां नहीं होती हैं। उसके बाद पता चलेगा कि जो थ्रोन पे किस तरीके से बैठता है शाहजहां, ये कहानी शुरू होती है नूरजहां से और आसफ खां से। मैंने आपको बताया कि दोनों के बीच में एक कॉम्पिटिशन चल रहा था कि नूरजहां चाहती थी कि शहरयार राजा बने, और उसका भाई जो आसफ खां है वो चाहता था कि शाहजहां राजा बने। ठीक है, तो इनके बीच में एक आगे चल के पॉलिटिकल वो चलता है, और नूरजहां का एक अपना ग्रुप होता है, नूरजहां का ग्रुप, ये बहुत फेमस था। और यहाँ पे क्या चलता है कि शहरयार को राजा बनाने के लिए ये कन्विंस करती है जहांगीर को कि शहरयार ज्यादा योग्य राजा बनेगा इन कंपेयर टू शाहजहां।
और ये बात पता चल जाती है कहीं ना कहीं आगे चल के खुर्रम को, जो कि उस समय साउथ में अहमदनगर में होता है, ठीक है। तो ये आके रिवोल्ट कर देता है कि राजा तो हम बनेंगे, तुम कैसे बनाओगे इसको। तो यहाँ पे चल के महावत खां एक व्यक्ति होता है, ये सपोर्ट करता है शाहजहां का कि तुम्हें ही राजा बनना है। और यहाँ पे कुछ ऐसी चलती है एक राजनीति खिचड़ी ऐसी चलती है कि नूरजहां भी आगे चल के ये सोचती है कि नहीं, राजा तो शाहजहां ही बनेगा, क्योंकि शहरयार इतना एबल नहीं था। दूसरी चीज कि शाहजहां को बहुत लोगों का सपोर्ट था ऑलरेडी, तो शाहजहां को यहाँ पे आके क्या कर देती है कि तुम राजा बनोगे, और माफ कर देता है जहांगीर भी कि रिवोल्ट किया तो किया, कोई बात नहीं, राजा तो तुम्हें ही बनना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो थ्रोन का जो एक्सेशन था वो एक तरीके से शाहजहां को मिलना था, ये एक तरीके से तय हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो इसका ससुर है, ये जो आसफ खां है, ये बाकी हर उस व्यक्ति की हत्या कर देता है जो कि एक तरीके से पोटेंशियल थ्रेट था शाहजहां को। उसमें शहरयार भी इंक्लूडिंग होता है, शहरयार जो कि इसकी बहन का दामाद था, उसकी हत्या कर देता है। दाबर बख्श जो कि खुसरो का बेटा था, खुसरो कौन, शाहजहां का भाई, इसका बेटा था दाबर बख्श, उसकी भी हत्या कर देता है। साथ ही साथ पांच और मेंबर होते हैं इस रॉयल फैमिली के, उनकी हत्या कर देता है, जो इसके कजिन वगैरह हैं। और उसको लगता है कि आगे चल के ये जो लोग रिवोल्ट कर सकते हैं तख्त पे बैठने के लिए, तो उन सब की हत्या कर देता है। तो आसफ खां का बहुत बड़ा योगदान होता है शाहजहां को एक तरीके से बादशाह बनाने में। तो शाहजहां की मृत्यु हो जाती है 28 अक्टूबर 1627 को, उसके बाद राजा कौन बनता है, शाहजहां, ठीक है। उसके बाद ये टाइटल किसका लेता है, शाहजहां का ही टाइटल लेता है सबसे पहले तो, क्योंकि इसके पिता ने इसको ये टाइटल दिया था। उसके अलावा कुछ और टाइटल लेता है, जिसमें होते हैं पादशाह गाजी जियुल इलाही, एक होता है शाहिब उल कुरान ए शानी, ठीक है। तो ये टाइटल लेता है कई बार, ये इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये जो पादशाह और गाजी वाला है ये आपको याद रखना है, ठीक है। हर मुगल बादशाह की जो उपाधियां हैं आपको बाबर से याद आ रही होंगी, बाबर की इंपॉर्टेंट है, अकबर की इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपको जहांगीर की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आलम शाह की उपाधि लेता है औरंगजेब वो इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर एक बार देखते हैं इसके मिलिट्री कैंपेन, कौन कौन से जो मिलिट्री कैंपेन है जो शाहजहां कंप्लीट करता है। आपको पता है सबसे ज्यादा जो युद्ध है वो अकबर ने जीते, और बहुत कम एरिया छोड़ा था इनके लिए कि ये आगे चल के युद्ध कर पाए। जहांगीर के समय एक चीज हो गई थी, आपको पता है मेवाड़ की जो संधि है वो कंप्लीटली हो गई थी, उसके अलावा साउथ इंडिया के जो कैंपेन थे वो कंप्लीट नहीं हुए थे। देखो मैं आपको याद दिलाता जा रहा हूँ कि बहमनी जो साम्राज्य था अकबर के समय पे, जो टूट के आगे चल के बन गया था गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, इनमें रियासतों में बट गया था, वहां पे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं मिला था, न तो अकबर को मिला था और न ही जहांगीर को मिला था, लेकिन शाहजहां को मिला। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत को कंप्लीटली फतेह करने में शुरुआत किसने की एक तरीके से, तो शाहजहां ने यहाँ पे एक तरीके से इसको मेजर अचीवमेंट इसी को मिला था, अकबर को इतना बड़ा नहीं मिला। हालांकि अकबर ने बाकी जो जगह है उनको बहुत अच्छे से मैनेज किया, लेकिन साउथ इंडिया में उसके अंतिम समय पे आ गई थी बात और रिवोल्ट कर दिया था सलीम ने, तो ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रहा था यहाँ पे। हालांकि आगे चल के इस एरिया को और ज्यादा बढ़ावा देगा औरंगजेब और साउथ इंडिया को कम्प्लीटली जीत लेगा, लेकिन शाहजहां को यहाँ पे पहली बार वो एक तरीके से फतेह हासिल हुई थी। उसके बाद क्या होता है, 1633 में शाहजहां करता है सबसे पहले अहमदनगर पे अटैक, और वहां का राजा होता है हुसैन शाह। अब ये हुसैन शाह जो है ये एक तरीके से लास्ट रूलर है अहमदनगर का, क्योंकि इसके बाद ये जो अहमदनगर है ये कम्प्लीटली मुगल सल्तनत में मिल जाएगा, और इसको ग्वालियर के किले में बंद कर देता है, कैद कर देता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, इसी के इम्पैक्ट से 1636 में गोलकुंडा का एक राजा होता है, ये माइनर होता है, 18 साल से कम उम्र का लड़का होता है, ये पहले तो सोचता है कि ये मुगल सल्तनत को टक्कर दे देगा, लेकिन बाद में जब इसको पता चलता है कि हुसैन शाह की क्या हालत है, उसको ग्वालियर के किले में बंद कर दिया है, तो ये ट्रीटी साइन कर लेता है और इनकी एक तरीके से मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और ये ट्रीटी ऐसे ही नहीं है कि नॉर्मली साइन हो गई थी, इसमें बहुत सारा पैसा खजाना इसको देना पड़ा था शाहजहां को। और उसके बाद देखो अहमदनगर इनके अंडर आ गया, गोलकुंडा अंदर आ गया, अब क्या हो गया, बीजापुर आ गया। तो उसी समय जब ये ट्रीटी साइन हो रही होती है उसके तुरंत बाद 1636 में ही बीजापुर पे भी शाहजहां की सेना अटैक कर देती है, और बीजापुर का जो सुल्तान है आदिल शाह प्रथम ये भी इस बैटल को हार जाता है। और ये पूरा जो साउथ इंडिया है, जो एकदम अगर आप पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, नीचे ही नीचे वाला हिस्सा, उसको छोड़ के बाकी सारा हिस्सा शाहजहां के अंपायर में शामिल हो जाता है। लेकिन एक बैटल इसी दौरान वो हार भी जाता है, मैंने आपको बताया था पर्शिया का जो सुल्तान है
वो इसी समय कांधार को जीत लेता है। कांधार का जो एरिया है इसके बाद कभी भी मुगलों के अधीन नहीं आया, और कांधार को इससे पहले अकबर ने जीता था बहुत ही मुश्किलों से, लेकिन ये अब इनके हाथों से चला गया और इसको आगे चल के औरंगजेब भी नहीं जीत पाएगा। तो ये वो मैप है 1658 में जब ये ओवरथ्रोन किया गया शाहजहां, इनके पुत्रों के द्वारा जेल में बंद कर दिया गया। तो उस समय इतना बड़ा साम्राज्य रूल करने के लिए था, जो कि आगे रूल करना था किसको, औरंगजेब को। तो ये इतना बड़ा साम्राज्य इनके पास हुआ करता था। तो जिसमें ये आपको दिख रहा होगा ये बीजापुर और गोलकुंडा भी इसके अंदर शामिल है। तो डेक्कन प्लेट्यू वाला जो इलाका है ये इसने जीता था, ठीक है। बाकी कोई बड़े अभियान इसने नहीं किए थे, बाकी ये बंगाल, बिहार है, ये गुजरात है, ये सारा अकबर ने इनको जीत के पहले से ही दे दिया था, ठीक है। और ये कांधार इनके हाथ से दिख रहा है जाता हुआ आपको, ये यहाँ से चला गया था। तो ये 1658 का मैप है। उसके बाद क्या होता है कि इसके समय को गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर क्यों कहा जाता है। कई जगह आपको गोल्डन एज ऑफ मेडाइवल पीरियड भी इसको कहा जाता है, लेकिन अगर एग्जैक्टली आप देखें तो ये आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड था, ओवरऑल पीरियड ये वो नहीं था गोल्डन एज। उसमें काफी सारे रीजन है, कुछ कमियां भी थी शाहजहां के रूल की, कुछ अच्छी चीजें भी थी, लेकिन आर्किटेक्चर में सच में इसका बहुत अच्छा योगदान था। उनमें से आप देख सकते हैं आज के समय में पाकिस्तान और भारत में बहुत सारी बड़ी बड़ी ऐसी फेमस बिल्डिंग्स हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो यूनेस्को हेरिटेज साइट में आती हैं, और उनमें से एक ताजमहल भी है जो कि 7 वंडर्स में आता है। तो ऐसी ऐसी चीजें इसने बनवाई, और ऐसा माना जाता है कि यूरोप से ट्रेवलर आते थे इसके एम्पायर में ये देखने के लिए कि ये कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स में, ठीक है। तो बहुत फेमस फेमस इंजीनियर इसके पास थे, ईरान से, पर्शिया से, यूरोप से आए हुए थे जो इसके एम्पायर में रहा करते थे। और इसने एक शहर बसाया, आपको पता है दिल्ली के टोटल 8 शहर हुआ करते थे, मिनी शहर हुआ करते थे। उनमें से एक था पुरानी दिल्ली, अभी भी है पुरानी दिल्ली, और इसी को इसने बसाया था जहां पे पहले इसको कहा जाता था शाहजहांबाद, ठीक है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि शाहजहांबाद किसने बसाया, तो ये शाहजहां ने बसाया। तुगलकाबाद है वो तुगलक में बसाया, फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर बसाया था कोटला, ठीक है। तो ये शहर थे छोटे छोटे थे, तो इनको बसाया था, और 8 शहर हैं ऐसे छोटे छोटे, उस समय शहर बोला जाता था, अब तो दिल्ली अपने आप में एक शहर है, लेकिन छोटे छोटे शहर थे दिल्ली के अंदर, उनको बसाया था अलग अलग बादशाहों ने, ठीक है। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जो इसने बनवाई, उनमें से है रेड फोर्ट, जो दिल्ली का लाल किला है, जहां से 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, वो लाल किला इसने बनवाया था। आगरा का जो किला है उसके सेक्शन बनवाए, जिनमें से दीवाने आम और दीवाने खास बनवाए इसी ने, उसके लिए अलग से महल बनवाए। अकबर के समय जो दीवाने आम और दीवाने खास की जो दो एक तरीके से बादशाह के तख्त लगा करते थे, जहां पे चर्चा होती थी, दीवाने आम में आम जनता के साथ चर्चा होती थी किसी मुद्दों पे कि बादशाह से उनको कुछ न्याय चाहिए, तो और दीवाने खास में जो उनके नवरत्न थे और उनके जो मंत्री थे उनके साथ बहस बात हुआ करती थी, वाद विवाद हुआ करता था, तो उनके लिए इसने महल बनवाए आगरा फोर्ट में। उसके बाद जामा मस्जिद, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, ये इसी के समय बनी। लेकिन ये सवाल पूछा जाता है कई बार घुमा के कि जामा मस्जिद किसके समय बनी, तो आपको जवाब देना है शाहजहां के समय। लेकिन जामा मस्जिद किसने बनवाई, तो ये बनवाई थी जहां आरा बेगम ने, और जहां आरा बेगम जो है वो शाहजहां की पुत्री थी, ठीक है, मुमताज महल की और शाहजहां की ये पुत्री थी। और इसने आगे चल के मैं इसका बताऊंगा आपको, कुछ कुछ हिस्ट्री बताऊंगा, ठीक है। मोती मस्जिद है, ये लाहौर में है, यहाँ पे बनवाई। शालीमार गार्डन जो है वो लाहौर में है, जहां पे इसके पिता जो है जहांगीर, उनका मकबरा भी बना हुआ है, वो भी इसने बनवाया, ठीक है। और शाहजहां की जो मॉस्क्यू है तट्टा में, ये बनवाई। उसके अलावा पिकॉक थ्रोन, जिसको तख्त ए ताउश कहा जाता था, जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, वो भी इसने बनवाया, ठीक है। ये चीजें इसने बनवाई हैं। उसके बाद ये देखो, कुछ देख रहा हूँ, ये है लाल किला, ये है जहांगीर टॉम्ब, जहांगीर का जो मकबरा है लाहौर में ये है। उसके अलावा ये है तख्त ए ताउश, जहां पे कोहिनूर हीरा लगा हुआ है। पिकॉक थ्रोन, जिसको नादिर शाह भारत से लूट के लेके चला गया था, आगे चल के बताऊंगा मैं आपको, वो समय भी आएगा। और कोहिनूर हीरे का मैंने इतिहास पूरा करा रखा है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ आई बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि तख्त ए ताउश का निर्माण किस तरीके से हुआ, किसने इसको बनवाया था, वो सारी चीजें मैंने वहां पे कवर करवा दी है, ठीक है। ये है शाहजहां की मस्जिद और ये है जामा मस्जिद। तो ये इतनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं ये इसने बनवाई। और जो मेन इंपॉर्टेंट है ये है ताजमहल, इसको हम देखते हैं कि इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। हालांकि इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूँ आपके लिए। कुछ चीजें इसके बारे में देख लीजिए, किसकी याद में बनवाया, मुमताज महल की याद में बनवाया उनकी मृत्यु के बाद। उसके बाद इसको समय कितना लगा, 1632 में स्टार्ट हुआ था ये और 1653 में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। धीरे धीरे इसका कुछ काम बाद में भी होता रहा,
और 22 साल लगे इसको बनाने में, और उस समय के 32 मिलियन इंडियन रुपीस लगे थे इसके कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। और इसमें जो मार्बल लगा है वो 28 टाइप का मार्बल लगा है, और जो चीफ मार्बल है वो राजस्थान का व्हाइट मार्बल इसमें यूज किया गया है। उसके अलावा तिब्बत से लाया गया मार्बल है, जेड मार्बल है, चाइना से लाया गया, ये काफी सारे मार्बल्स हैं इसके अंदर लगाए गए हैं। और कुछ कुछ जो इसमें ज्वेल्स जो इस्तेमाल किए गए थे वो क्या बोलते हैं ब्रिटिशर्स यहाँ से निकाल के भी लेके चले गए, लेकिन आज भी ये भारत की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग्स में से एक माना जाता है और 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल है, ठीक है। तो ये है ताजमहल, और इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे ही। उसके अलावा कि हिस्टोरियंस क्या कहते हैं शाहजहां के बारे में, शाहजहां किस तरीके का रूलर था, उसका जो पीरियड है वो सच में गोल्डन एज मानी जाएगी या फिर नहीं मानी जाएगी, या फिर सिर्फ उसने आर्किटेक्चर की फील्ड में ही गोल्डन एज मानी जाएगी। तो ट्रेवेलियनियर एक हिस्टोरियंस है, ये कहते हैं, ये जो स्लाइड है ये इसकी तारीफों के बारे में है, आगे वाली जो है वो इसका क्रिटिसिज्म है। ये लोग जो हैं ये मानते हैं कि शाहजहां की जो रिजीम है वो बहुत ही अच्छी थी, और ये अपने जो सब्जेक्ट्स थे, जो अपनी प्रजा थी, उनमें फादरलीहुड का एक तरीके से वो करता था, शो करता था, अपनी जो जनता है उसको एक तरीके से अपने बच्चों की तरह मानता था, ठीक है। तो ये ट्रेवेलियनियर का मानना है। उसके अलावा इसका ये भी मानना है ट्रेवेलियनियर का कि अकबर जो है वो सच में एक ग्रेटेस्ट रूलर था, इस कॉन्करर था इस डायनेस्टी का, मुगल डायनेस्टी का, लेकिन अगर फॉर्मेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखें, लॉ बनाने की तरीके देखें, तो इसमें शाहजहां का कोई सानी नहीं है, शाहजहां सबसे बेटर है, ये ट्रेवेलियनियर का मानना है। उसके अलावा मोरलैंड का मानना है कि शाहजहां का जो पीरियड है वो एग्रीकेरियन जो हैं, जो कर्षक हैं, जो खेतीबाड़ी करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम था, उनको ट्रांसपेरेंसी मिलती थी, उनको ज़्यादा कर नहीं देना पड़ता था, ठीक है। तो इसीलिए माना जाता है कि इसका जो समय है वो सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस था इंडियन हिस्ट्री में, मेडाइवल हिस्ट्री में इसका जो टाइम है उसको सबसे प्रॉस्परस टाइम इसने माना है। उसके अलावा लीन पोन ने कहा है कि शाहजहां को उसकी काइंडनेस और बेनवेलेंट रूलर के कारण लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। हालांकि आगे चल के देखेंगे एक दूसरे हिस्टोरियंस का इसका जस्ट अपोजिट है कहने का, लेकिन ये इनकी राय है, इन्होंने जो जो चीज़ें इसके बारे में पढ़ी हैं, क्योंकि एक रूलर जिसने 30 साल के आसपास रूल किया उसके बारे में हम एक ही वीडियो में इतना कुछ नहीं जान सकते। हम हिस्टोरियंस की राय मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ट्रेवेलियनियर ने क्या कहा शाहजहां के बारे में, एक लाइन आपको दे देगा कि ये किसने कहा, तो ये कहा ट्रेवेलियनियर ने। W.H. हंटर ने क्या कहा कि द मुगल एम्पायर अटेन इट्स हाईएस्ट यूनियन ऑफ स्ट्रेंथ एंड मैग्निफिकेंस अंडर शाहजहां, कि मुगल एम्पायर जो था वो अपनी यूनियन जो थी, इसका जो साम्राज्य था उसमें स्ट्रॉन्गनेस के हिसाब से देखें तो वो अपनी जेनिथ पे था शाहजहां के समय पे। हालांकि इस चीज में आप खुद ही बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि इसी के बेटों के बीच में जो आगे चल के वॉर हुआ, सक्सेशन की लड़ाई हुई, वो इस चीज में कहीं ना कहीं इसका कॉन्ट्राडिक्टरी बनती है कि अपने बेटों को तो ये पूरी तरीके से कंट्रोल कर नहीं पाया, उनको तो रोक नहीं पाया, और खुद ही इसको बंधक बना लिया गया, औरंगजेब ने इसी को बंधक बना लिया, जबकि ये राजा था, इसके पास सुपरमेसी होनी चाहिए थी, सारी जो पावर जो थी, जो आर्मी की जो लीडरशिप थी वो इसके पास होनी चाहिए थी, लेकिन इसने फिर भी ये हार गया अपने बेटों के सामने, औरंगजेब ने इसको बंदी बना लिया। वी ए स्मिथ जो एक ब्रिटिश हिस्टोरियंस है, उनका कहना था इसके अपोजिशन में, इसके क्रिटिसिज्म में, कि शाहजहां वॉज क्रूल, ट्रेचरियस एंड अनस्क्रप्टलस स्टेट मैटर्स, ये बहुत ज़्यादा क्रूल था और ये अनस्क्रप्टेबल था, इसके पास कोई स्किल नहीं थे मिलिट्री लीडर होने के दौरान, और इसका ऑर्गेनाइजेशन जो था और कमांड जो थी वो बहुत ही अनअफिशियंट थी, इनसफिशियंट थी, इसी वजह से ये जो आगे इसको 8 साल तक जेल में भी बिताना पड़ा। देखो पहले हम 5वें मुगल बादशाह पे पहुंच गए, किसी मुगल बादशाह को इस तरीके से जेल में नहीं डाला गया, किसी की इस तरीके से बेइज्जती नहीं करी गई। आपको दिखता है कि इसके पिता ने अपने पिता के खिलाफ एक रिवोल्ट किया था, खुसरो ने भी जहांगीर के खिलाफ एक रिवोल्ट किया था, लेकिन उन सभी रिवोल्ट को दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि जो राजा था, जो मुगल अंपायर का जो एम्परर था, उसके पास सारी पावर हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है आपको कि कहीं ना कहीं इसके पास जो सेंट्रल लीडरशिप थी वो कहीं ना कहीं कमजोर थी, तभी तो इसके साथ ये हालत हुई। विलियम हॉकिंस का मानना है कि हु स्पेंड सम टाइम इन इंडिया, कहते हैं कि एक टैलेंटेड ड्रंकयार्ड था, एक टैलेंट था इसमें लेकिन ये ड्रंकयार्ड था, ये एक तरीके से पियक्कड़ आप इस तरीके से कह सकते हैं। ये लाइन आपको पुरानी किसी चीज़ की याद दिलाती है क्या? आपको याद आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसके बारे में भी ऐसी ही राय रखते थे लोग कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, लेकिन वो उस टैलेंट का इस्तेमाल नहीं कर पाया और वो मूर्ख साबित हो गया अपने मरते टाइम तक, जबकि सबसे पढ़ा लिखा था वो दिल्ली सल्तनत के समय में, ठीक है।
बर्नियर का कहना है कि ज्यूसिट वर्ग सेवरली पनिश्ड एंड बाय द एम्परर। देखो जो ज्यूइश लोग हैं, ज्यूइस्ट यानी ज्यूइश नहीं, क्रिश्चियंस जो हैं, जीसस को मानने वाले जो लोग हैं, उनको बहुत जगह पनिश किया गया। और इसकी जो विचारधारा है, रिलीजन, रिलीजियस जो फैक्टर है, उसके बारे में काफी लोगों के अलग अलग मतभेद हैं। देखो सिखों के साथ जो इनकी जो लड़ाई थी वो शुरू हो गई थी खुसरो का, जो खुसरो ने जो रिवोल्ट किया था इसके पिता के खिलाफ, वहीं से जब उनके पिता ने चौथे सिख गुरु की हत्या करवा दी थी। और आपको पता है जब अकबर का समय था तो सिखों के साथ बहुत ज्यादा बनती थी इन मुगल बादशाहों की, लेकिन बाद में चल के जहांगीर के समय, शाहजहां के समय और आगे चल के औरंगजेब के समय तक आते आते इनके जो रिलेशन है सिखों के साथ वो पूरी तरीके से खराब हो जाएंगे। कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि इस शाहजहां ने बहुत सारे मंदिरों को तुड़वाया, जो भी नए मंदिर बन रहे थे उनको तुड़वाया, और बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली, हिंदुओं को ये फोर्सफुली कर मजबूर किया कि वो इस्लाम को कबूल लें, और इस्लाम कबूलेंगे तो उनको बहुत सारा इस चीज का फायदा मिलेगा, अलग अलग रूप में उनको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें ओवरऑल, अगर इन नतीजों पे पहुंचे, इन हिस्टोरियंस ने जो भी कहा उसके बाद हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि शाहजहां का जो रूल है वो अपने पिता, ग्रैंड फादर जो हैं अकबर, उनके जैसा ग्रेट तो नहीं था, उनका जो, उनकी जो छवि थी वो इनसे ऊपर मानी जाएगी, लेकिन जो इनके जो बेटे हैं और इनके जो पिता हैं, जहांगीर इनके पिता हैं और इनके बेटे औरंगजेब हैं, इनसे इनका रूल बेटर था। किसी भी टर्म में देख लीजिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन में देख लीजिए, या फिर जो जो लोगों के साथ बिहेव करने का तरीका है उससे देख लीजिए, या फिर रिलीजियस पॉलिसीज में देख लीजिए, जहांगीर से बेटर हैं और औरंगजेब से तो फार बेटर है। औरंगजेब तो बहुत ही एक क्रूर नेचर का लीडर था, ये चीजें हैं। अब देखो औरंगजेब के बाद, इसके बाद क्या चीज होती है, एक मेजर चीज होती है कि वॉर ऑफ सक्सेशन होता है। बीच में 8 साल में एक वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, उसके बाद इसकी डेथ होती है, और इस डेथ के समय यहाँ पे रूलर कौन होता है, औरंगजेब। वो एक बड़ा टॉपिक है, उसमें 15-20 मिनट लगेंगे, इसीलिए मैं उसको सेपरेटली करूंगा कि किस तरीके से सक्सेशन की लड़ाई हुई, उत्तराधिकार का युद्ध है उसको हम अलग से देखेंगे। बाकी चीज इसकी डेथ देख लीजिए, जनवरी 1666 में ये अचानक से बीमार पड़ जाता है और उसके बाद ये कभी रिकवर नहीं कर पाता, और अपने अंतिम समय पे 22 जनवरी को अपनी बेगम जो है अकबर दाली महल, उसको बुलाता है कि इसको मेरे सामने लेके आया जाए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उससे कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ। और जहाँ आरा बेगम जो थी, ये तो इसका साथ ही दे रही थी शाहजहां के समय, इसकी सेवा कर रही थी जब ये जेल में रहता था, और कोई इसके ध्यान नहीं रखता था, कोई किसी को कोई मतलब नहीं था, लेकिन जहां आरा बेगम ने अपने पिता की सेवा की, और फिर जहां आरा बेगम का ही ख्याल रखने के लिए अकबर बेगम को कहा गया, उसके बाद 74 साल की एज में 1666 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जहां आरा बेगम चाहती हैं कि अपने पिता जो कि इतने बड़े एम्परर रहे हैं उनको अच्छा गुड बाय मिले, और उनको जो नोबल्स मैन है वो कैरी करके लेके जाएं, उनकी जो बॉडी है उनको आगरा के जो ताजमहल है जो कि यमुना नदी के किनारे है वहां पे इनको दफनाया जाए, तो इनको एक क्या मिलना चाहिए, एक ऐसा गुड बाय मिलना चाहिए कि लोग इनका दर्शन कर पाएं, अंतिम दर्शन कर पाएं। लेकिन औरंगजेब जो है वो इतना क्रूर होता है कि अपने पिता की मृत्यु के बाद भी वो पिघलता नहीं है, और वो चाहता नहीं है कि इस तरीके का फ्यूनरल मिले उसको, उसके पिता को। और उसके बाद जो दो इसके जो नोबल्स होते हैं, सैयद मोहम्मद खुरैनजी और काजी कुर्बान, ये दो व्यक्ति उठा के इसकी जो क्या बोलते हैं शाहजहां की बॉडी है इसको लेके जाते हैं, और इसके कॉफिन को आगे चल के ताजमहल में उनकी बेगम के पास ही दफनाया जाता है, और मुमताज महल के पास ही इनको दफनाया जाता है। तो ये ताजमहल जो है यही इनका म्यूजोलियम है, मुमताज महल और शाहजहां का। तो ये इनकी डेथ हो जाती है। एक चीज रह गई है, मैं ऑब्वियसली आपको फिर से बता रहा हूँ, इनका जो सक्सेशन है वो मैं अलग से वीडियो में लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।